पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिबा इनू की जो 5 जीरोस दिख रही हैं, 5 में से ये एक कम हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 4 जीरोस रह जाएंगी। और ये चीज़ हमने सच होती हुई दिखी है अगस्त महीने के अंदर, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर शिबेरियम की बात करी गई थी कि शिबेरियम फाइनल लॉन्च होने जा रहा है। अब यहाँ पे बात सिर्फ प्राइस की नहीं है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली वो आप देख सकते हैं, 24 घंटे का जो वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का, वो 250% 300% से भी ऊपर गया है। यानी कि इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुके शिबा इनू में, क्योंकि अब सबको पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और इसी में प्रॉफिट अर्न करने का बहुत ही अच्छा मौका बन रहा है। इसी के साथ अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 10 से लेकर 15% इंक्रीज हुए, जो कि जनरली ऐसा होना इतना आसान नहीं होता। हालांकि शिबा इनू की जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक है वो अभी भी 14th के आसपास चल रही है, लेकिन आप यहाँ पे मार्केट कैप देखोगे, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पिछले 24 घंटे की बात करें या पिछले 7 दिनों की बात करें, उनमें से टॉप ट्रेंडिंग में कॉइन यही चल रहे हैं, शिबा इनू, और उसके बाद चल रहा है शिबा इनू का खुद का ही कॉइन, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि बोन कॉइन आप इसका बाय कर सकते हैं। बोन कॉइन आप देख सकते हैं पिछले 7 दिनों के अंदर 25% से भी ज़्यादा इसी कॉइन ने प्रॉफिट दिया है। अब आप देखिए कि ये कॉइन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे आने वाले समय में इसका क्या होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये अभी पोलका डॉट को बहुत ही जल्द फ्लिप करने वाला है, यानी कि पोलका डॉट का मार्केट कैप और इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है, बहुत ही जल्द ये लाइट कॉइन के कॉम्पिटिशन में आने वाला है। और देखते ही देखते कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब ये टॉप 10 कॉइन्स में आ जाएगा और डॉज कॉइन के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ी ताकत है शिबा इनू की, शिबा आर्मी की, जो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले पहुंच रहे। एंड हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इलन मस्क ने बोला कि वो एक्स यानी कि ट्विटर में अपना खुद का कोई भी टोकन लॉन्च नहीं करने वाले हैं। अब इसका इंडिकेशन सीधा सीधा किसके ऊपर जाते हैं, वो है शिबा इनू या फिर डॉजकॉइन के ऊपर, यानी कि यह कंपनी अगर अपना खुद का एक्स के नाम से या फिर ऐसा कोई भी टोकन नहीं लाने वाली है, तो उसका मतलब ये है कि ये किसी और टोकन का यूज़ करेगी, जिनमें से एक डॉज कॉइन भी हो सकता है। और जब भी हम डॉज कॉइन की बात करते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी इसी के साथ शिबा इनू की भी बनती है कि शिबा इनू भी इन्हीं लिस्ट में से एक हो सकता है, यानी कि शिबा इनू को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास प्रॉफिट दोनों तरीके से बन सकता है, चाहे वो शिबा इनू से बने चाहे वो डॉज कॉइन से बने, क्योंकि डॉज कॉइन की वैल्यू अभी लगभग 7-8 सेंट के आसपास चल रही है, तो ये भी आने वाले समय के अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट देने ही वाला है। तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी इसके मार्केट कैप के हिसाब से जो रैंक है वो 7th के आसपास चल रहे हैं, और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है डॉज कॉइन को लेकर। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले शिबा इनू के बारे में, और इसी न्यूज़ को देखते हुए हमने ये भी देखा कि डॉज कॉइन की प्राइस तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन जो शिबा इनू है इसका अपना खुद का वैल्यू, इसकी खुद का जो प्राइस है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसका इवेंट ही बहुत बड़ा आने वाला है। अब हम पहले इवेंट्स की बात कर लेते हैं, तो खासकर क्या क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं। जैसे कि समर ऑफ शिबेरियम चल रहा है 3 तारीख से, ये बार बार अपडेट आ रही है, तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि जो शिबा टोकन है ये अपना खुद का डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन लाने जा रहे हैं, जो कि शिब के सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज क्या आने वाला है, शिबा इनू जो कि पहले एक मीम कॉइन था, अभी ये एक सीरियस डिफाई कंटेंडर बन रहा है, यानी कि एक सीरियस डिफाई प्रोजेक्ट बन चुका है, क्योंकि इसका खुद का ब्लॉकचेन भी है, इसी के साथ इनका स्वैप भी है, कई सारे इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे जो इनके इसी के इकोसिस्टम में आते हैं। तो जो सितोशी कुसामा है शिबा इनू के जो फाउंडर हैं, उन्होंने खुद रिवील किया है कि शिबेरियम जो है वो रीस्टोर करने वाला है और ट्रस्ट बढ़ाने वाला है। कैसे करेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेट करने वाले हैं SSI। अब SSI का मतलब ये सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी सोल्यूशन आने जा रहा है, एक बहुत बड़ा इस डिजिटल एरिया का नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो कि शिबा इनू का खुद का होने वाला है। अब हम बात करें चाहे गेमिंग की, मेटावर्स की, AI की, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की बात करें, NFTs की बात करें, तो ये सब कुछ कहाँ आता है, शिबेरियम के अंडर ही आता है। चाहे हम बर्निंग की बात करते हैं, सब कुछ शिबेरियम के अंडर आ रहा है, यही कारण है कि इसको वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी, इसको SSI के नाम से भी जाना जा सकता है, जो शिबेरियम के आने के साथ साथ हमें यहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रस्ट और भी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि शिबेरियम ही अपना SSI लेकर आएगा, जिसमें हमें सेल्फ कस्टडी, पोर्टेबिलिटी, Z के कंप्लायंस, सिक्योर गेटवे, ये सब कुछ मिलने वाला है इसी शिबेरियम के द्वारा। अब शिबेरियम के ऊपर इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शिबेरियम आएगा तो ये होगा, शिबेरियम आएगा तो वो होगा, यानी कि बहुत कुछ ऐसा पेंडिंग है जो कि अवेटेड सिर्फ इसलिए है कि शिबेरियम आने की थोड़ी देरी है, जो कि इसी हफ्ते के अंदर हमें मिल सकता है।
एक और बड़ी अपडेट जो कि एक्सपेक्ट कभी भी नहीं किया था कि शिबा इनू को एज ए लोनेबल एसेट बनाया गया है या फिर एज ए कोलेटरल एसेट अब यूज़ किया जा पाएगा, हम बाइनेंस के ऊपर हम यूज़ कर पाएंगे। तो बाइनेंस के द्वारा इतना बड़ा सपोर्ट मिला है, यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं आप उसके बदले में एज ए कोलेटरल शिबा इनू को दे सकते हैं। तो होल्डर्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप अपने शिबा इनू को दे के आप एक लोन लीजिए और उसके ऊपर जितना चाहे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर उसको कहीं भी उस अमाउंट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिजिटल आईडीज का ज़माना आने वाला है और डिजिटल आईडी का जो सोल्यूशन है वो भी शिबा इनू करेगा। यही कारण है कि शिबा इनू अब एक डिफाई प्रोजेक्ट बनने वाला है, ना कि सिर्फ एक मीम कॉइन प्रोजेक्ट रह जाएगा। अब ये जो डिजिटल आइडेंटिटीज़ एंड डाटा प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है, ये सबसे पहले कैनेडा में आने वाला है और यूरोपियन यूनियन में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पे इस चीज़ की मार्केट होगी वहीं पे सबसे पहले आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कनाडा और यूरोपियन की इन्होंने कंफर्मेशन दी है, लेकिन इसका मतलब ये कि वहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया जा रहा है। तो शिबा इनू जैसे ही अपना ब्लॉकचेन लेकर आएगा इसी के द्वारा वहाँ पे ये सब कुछ यूज़ होगा। एंड आपको यहाँ मैं बार बार आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि लेयर टू के नेटवर्क के ऊपर आप बोन की बात करें, ट्रीट, शिप, लीश, ये सारे के सारे टोकन्स को इजनी के द्वारा आप एक ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम तो बना ही बना है लेकिन इसी की यूजेज भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, खासकर बोन टोकन की जो कि गवर्नेंस के लिए होने वाली है। अब शिप का जो लीज टोकन है, इसी के इकोसिस्टम का जो टोकन है उसको भी लिस्ट किया गया। तो कई सारी की सारी जितनी मैंने डिस्कस करी हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव अपडेट्स ही हैं। तो आप यहाँ पे कम से कम 5 से लेकर 10% का प्रॉफिट तो बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसने $0.00001 की वैल्यू अचीव करी थी और ये बहुत जल्द इसको रीक्लेम भी कर सकते हैं। तो हम रीक्लेम की वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार उस पर पहुंचा था, क्योंकि ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसके ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है और वापस वहाँ पे बार बार पहुंचेगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिबा इनू आने वाले समय का $1 वाला, 1 सेंट वाला कॉइन भी बन सकते हैं। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको किसी भी और टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में या फिर किसी मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।